चिल्ड्रेन, तो आज हम आ गए हैं आप लोग के लिए लेकर के वीडियो नंबर 6। तो वीडियो नंबर 6 में क्या पढ़ना है? तो वीडियो नंबर 6 में पढ़ना है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब आज हमको ये समझना है कि व्हाट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमने लेट कर लिया, कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी पे क्यू कूलम चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रिजिड बॉडी से अगर ये किसी कोई भी पॉइंट क्यू, कोई भी पॉइंट है जहां पे क्यू नॉट कूलम चार्ज है, तो इस रिजिड बॉडी के कारण इस पॉइंट पे कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेते हैं और लेट कर लिया कि इस एलिमेंट्री सेक्शन पे चार्ज जो है मेरा डी क्यू है, और इस डी क्यू का डिस्टेंस लेट कर लिया यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, और दोनों चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव है। सो द फोर्स एट दिस चार्ज क्यू नॉट इज रिपल्सिव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डी एफ इज गिवेन बाय 1/4 πε0 dQ into Q0 / r² होगा। और इसको यूनिट वेक्टर देकर के हम दिखाते हैं डायरेक्शन, ये आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला चलेगा। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितने टाइप का होता है? तो फर्स्ट नंबर में होता है लीनियर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने लेमडा से डिनोट किया। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लेट कर लिया, ये कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ एल है और क्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज जो है इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट कर लिया, चूंकि एल लेंथ पे क्यू कूलम्ब चार्ज है, सो 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू बाय एल, सो लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इसको चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो इट इज रिटेन एज लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल कूलम्ब पर मीटर, एंड इट इज आल्सो रिटेन एज लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेते हैं, ये एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया, और इस एलिमेंट्री सेक्शन पे डी क्यू चार्ज है और इस एलिमेंट्री सेक्शन का लेंथ डीएल है, इस एलिमेंट्री सेक्शन पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाय डीएल होगा, डी क्यू बाय डीएल, और लैम्डा जो है मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, सो डी क्यू इक्वल टू चलेगा लैम्डा इंटू डीएल, और इस फॉर्म में इक्वेशन होगा। अगर जहां से जहां तक चार्ज कैलकुलेट करना है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ पे, लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट, तो मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, आगे चलते हैं। नंबर टू, फर्स्ट नंबर में था लीनियर चार्ज डेंसिटी, और नंबर टू हम देखते हैं, नंबर टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, नंबर टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए,
means कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो रिटेन एज सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाय डी ए. सो डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए. फिर टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रेट कर देते हैं डी ए को तो टोटल चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा. एंड थर्ड वन इज नंबर थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोट करते हैं रो से. ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो रो इक्वल टू क्यू बाय वी एंड कूलम पर मीटर क्यूब एंड इट इज आल्सो रिटेन एज डी क्यू बाय डी वी. सो डी क्यू इक्वल टू रो डी वी. हियर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं डी क्यू इक्वल टू रो डी वी तो टोटल चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? क्लियर है तो इस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम देते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी पे. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन में हम देखे थे कुछ प्रॉब्लम इस पे, लेकिन वो मेजरमेंट पे डिपेंड था. और यहाँ पे हम देखते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर वन है, हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन है, ये कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट है. लीनियर ऑब्जेक्ट, इसका लेंथ एल है और इस पे क्यू कूलम ऑफ चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और कोई भी पॉइंट पी है जो इस एंड से आर डिस्टेंस पे है और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ में कैलकुलेट करते थे के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो वहां क्यू पॉइंट चार्ज हुआ करता था, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है. तो डायरेक्ट हम नहीं बना सकते हैं. यहाँ पे टेस्ट चार्ज कितना होगा? प्लस वन कूलम. उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया और इस एलिमेंट्री सेक्शन का लेंथ डीएल है और ये एलिमेंट्री सेक्शन इस पॉइंट पर से लीड कर लिया एक्स डिस्टेंस पे है या एल डिस्टेंस लीड कर लेते हैं. कितना डिस्टेंस पे है? एल डिस्टेंस पे है. और इस एलिमेंट्री सेक्शन पे चार्ज जो है डी क्यू है. अब ये एलिमेंट्री सेक्शन पॉइंट चार्ज की जैसा बिहेव कर रहा है तो ये डी क्यू चार्ज वन कूलम चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा. और जितना फील्ड से रिपेल करेगा उसको हमने लीड कर लिया डी ई. अब यहाँ पे हम लगा देते हैं कूलम्स लॉ. डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय एल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन वन. अब डी क्यू निकालते हैं तो लेट कर लिया, चूंकि एल लेंथ पे क्यू कूलम चार्ज है इसीलिए यूनिट लेंथ पे कितना होगा? क्यू बाय एल. इसीलिए ये जो एलिमेंट्री सेक्शन है, इस एलिमेंट्री सेक्शन का लेंथ कितना है? डी एल. देयर फोर चार्ज ऑन डी एल क्यू बाय एल इंटू डी एल. सो डी क्यू इक्वल टू क्यू बाय एल इंटू डी एल. अब इस डी क्यू का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं. मींस पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन वन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन वन से क्या मिलेगा? डी ई इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यू के बदले हम क्या लिखें, क्यू बाय एल नीचे में क्या है यहां पे एल स्क्वायर, क्यू बाय एल नीचे में कितना है यहां पे 1 बाय एल स्क्वायर इंटू क्या है डी एल। अब हम इसको सजा करके लिखते हैं डी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल एल का पावर -2 डी एल। अब इसमें इंटीग्रेशन लगा देते हैं, लिमिट कहां से कहां तक होगा ढूंढना है। अब लिमिट का पता करना है कि लिमिट कहां से कहां तक होगा। तो अब देखिए ये जो नियर एंड है इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे है और ये एंड कितना पे है, ये r पे है, तो r में l प्लस कर देंगे तो अपर एंड कितना पे है r प्लस l पे है। एलिमेंट्री सेक्शन यहां से कट करना शुरू होगा, यहां से कट 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 काटते 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 आर से लेकर के कहां तक आ जाएंगे हम आर प्लस एल तक। ये आर है यहां ले हो जाएगा आर प्लस एल, लोअर लिमिट क्या होगा आर और अपर लिमिट क्या होगा आर प्लस एल। डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई, इसको लिखेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल, ये हो जाएगा एल का पावर -2 प्लस 1 आर से लेकर के आर प्लस एल तक। सो इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल, यहां पे हो जाएगा -1 बाय एल आर से लेकर के आर प्लस एल तक। सो इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल। अब एक बार एल के बदले में अपर लिमिट रखेंगे और एल के बदले में लोअर लिमिट, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस एल, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय एल। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल, कैपिटल एल है, यहां क्यू बाई एल 1 बाय एल माइनस 1 बाय आर प्लस एल। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है चले आगे। नेक्स्ट क्या होगा इसका, आगे इससे आगे होगा दोनों का एलसीएम लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय एल, इसका एलसीएम हो जाएगा आर प्लस एल इंटू एल। अब यहां पे एल है, यहां पर हो जाएगा आर प्लस एल माइनस एल, माइनस एल प्लस एल कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल इंटू आर बाय आर प्लस एल इंटू एल। इतना न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, समझ रहे ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। ये एक सर्कुलर रिंग है और इस रिंग का रेडियस r है, ये सर्कुलर रिंग है, रिंग का रेडियस क्या है r, इस पे प्लस क्यू कूलम चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे प्लस 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 चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमको कह रहा है रिंग के एक्सिस पे, ये रिंग है, रिंग का एक्सिस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पूछ रहा है, ये कोई भी पॉइंट पी है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्सिस है, रिंग ऐसे रखा हुआ है, रिंग इस तरह से रखा हुआ आपका ये रिंग है,
रिंग का एक्सिस ये होगा जो पास करेगा सेंटर से, इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया और इस एलिमेंट्री सेक्शन का लेट कर यह चार्ज डी क्यू है और डी क्यू चार्ज इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे होगा निकाल लेते हैं। ये क्या है मेरा आर है, ये क्या है एक्स है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, यहाँ पे प्लस 1 कूलम चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये क्या चार्ज होता है टेस्ट चार्ज होता है, और इसी टेस्ट चार्ज पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो डी क्यू चार्ज का नेचर पॉजिटिव है और इसका भी नेचर पॉजिटिव है, ये डी क्यू चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल करेगा डी ई फील्ड से, लेट कर लिया और ये भी लेट कर लिया, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, इस डी ई का कंपोनेंट इस एक्सिस पे होगा डी ई कॉस थीटा और इस एक्सिस पे होगा डी ई साइन थीटा। तो इस डायग्राम में आप देखो डी ई कॉस थीटा रहेगा और डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ये रिंग है, रिंग का यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, यहाँ पे एलिमेंट्री सेक्शन लिया तो इसका फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ, फिर इस पॉइंट पे एलिमेंट्री सेक्शन लिया तो इस फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ, यहाँ पे ये भी एंगल थीटा ये भी एंगल थीटा, ये डी ई था मेरा, ये मेरा इसका कंपोनेंट इस एक्सिस पे हो जाएगा डी ई, यहाँ पे देखते हैं ये मेरा डी ई है, इसका इस डी ई का कंपोनेंट इस एक्सिस पे हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा, फिर इसका कंपोनेंट डी ई का इस एक्सिस पे क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, इस एक्सिस पे क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, सो योर डी ई साइन थीटा इज कैंसिल आउट, डी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, नेट फील्ड जो डी ई होगा अलोंग एक्स एक्सिस के और होगा जो डी ई कॉस थीटा होगा। तो डी ई को हम लिख सकते हैं डी ई ये जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय व्हाट दिस डिस्टेंस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा बी बाय एच, तो बेस कितना है यहां से यहां तक बेस है मेरा एक्स, बाय एच कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। जब ये सबको कैलकुलेट करते हैं तो डी ई इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू एक्स बाय, ये दोनों को ऐड करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 होगा। 3/2 कैसे होगा आप जानते हैं, ये रूट अंडर एक्स है इंटू एक्स का पावर 1/2 है, तो एक्स का पावर ये स्क्वायर हुआ है, एक्स है एक्स का पावर 1/2 इंटू एक्स, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स का पावर 3/2 होगा। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस एलिमेंट्री सेक्शन, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड एट द पॉइंट टी, नेट फील्ड हो जाएगा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डी क्यू, अब इसको इंटीग्रेट कर दिया डी ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, डी क्यू का क्या हो जाएगा क्यू,
So your net field is 1 by 4 pi epsilon naught q into x by r square plus x square का पावर 3/2। ये नेट फील्ड हो गया आपका इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे ड्यू टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सर्कुलर रिंग। अब इसका हम स्पेशल केस देखते हैं। इसका स्पेशल केस स्पेशल केस नंबर वन हम बोलते हैं इफ एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। ये जो एक्स का वैल्यू है इस आर से वेरी वेरी ग्रेटर है मीन्स रिंग का रेडियस वेरी स्मॉल है और जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं वह पॉइंट डिस्टेंस सेंटर से जो लार्ज डिस्टेंस पे है तो x के रिस्पेक्ट में r का वैल्यू वेरी स्मॉल है इसीलिए क्या हो जाएगा नेगलेक्टेड। जब ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 πε0 qx। ये नेगलेक्ट हो जाएगा x स्क्वायर पावर 3/2 तो 2 कैंसिल तो क्या बचेगा इक्वल टू बचेगा 1/4 πε0 इंटू क्यू एक्स बाय एक्स का पावर 3। अब इस एक्स से इसको भी कट कर सकते हैं इसका पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/4 πε0 क्यू बाई एक्स स्क्वायर मीन्स सर्कुलर रिंग इज बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी कितना होता था आर डिस्टेंस से तो पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी आर डिस्टेंस से होता था 1/4 πε0 q/r2। अगर ये रिंग को पॉइंट चार्ज ले ले तो क्या होगा यहाँ पे इंटेंसिटी निकल रहा है 1/4 πε0 q/x2 मीन्स इफ द रेडियस ऑफ रिंग इज वेरी वेरी स्मॉलर देन the distance where we want to calculate the electric field then this circular ring behaves like a point charge so the intensity is 1/4 πε0 q/x2। ye kiske jaisa behave karna shuru kar diya hai behaves as point charge samajh rahe hain। अब स्पेशल केस नंबर 2 देखते हैं। स्पेशल केस नंबर 2 हम बोलते हैं कि एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स 0 होगा एक्स के वैल्यू को कम करना यहां आएंगे फिर यहां आएंगे फिर यहां आएंगे फिर यहां आएंगे फिर यहां आएंगे इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो एक्स का वैल्यू 0 मीन्स कहां पे आ गए एट द सेंटर। आप उस फॉर्मूले में जो था पुट कर दीजिए फॉर्मूला क्या आया था मेरा इक्वल टू 1/4 πε0 qx/r² + x² / 3/2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन एक्स का वैल्यू क्या है 0। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 हम पुट करेंगे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा मीन्स रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होगा 0 होगा। आप इसको एक सिंपल मेथड से भी समझिए रिंग का इंटेंसिटी सेंटर पे 0 क्यों होता है। जैसे ये एक रिंग है सर्कुलर रिंग यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज था जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ये सेंटर पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ जो एलिमेंट्री सेक्शन लिए है डी क्यू ये डी क्यू यहाँ प्लस 1 कूलम चार्ज है जिस पॉइंट पे निकालते हैं ये डी क्यू इसको क्या करेगा इधर रिपेल करेगा। सिमिलरली उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में भी ले लेते हैं डी क्यू ये डी क्यू इसको क्या करेगा इधर रिपेल करेगा ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं डी क्यू तो ये डी क्यू यहाँ से आर डिस्टेंस पे इसको क्या करेगा रिपेल करेगा फिर इसके जस्ट ऑपोजिट ले लेते हैं हम यहाँ पे डी क्यू फिर ये डी क्यू इसको क्या करेगा रिपेल करेगा ये दोनों भी क्या हो जाएगा
कैंसिल आउट। अगर फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं डी क्यू और यहाँ भी ले लेते हैं जस्ट ऑपोजिट डी क्यू, फिर ये डी क्यू इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, फिर ये डी क्यू इसको क्या करेगा रिपेल करेगा। तो हम देख रहे हैं कि नेट फील्ड सेंटर पे क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। ये ट्रिक से हो गया और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया। ट्रिक से सिर्फ हम सेंटर पे निकाल सकते हैं बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिंग के किसी पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोग को हम देते हैं, जो आप लोग खुद से ट्राई करोगे पहले, जब नहीं बनेगा तब हम बताएंगे। पांच मिनट पहले ट्राई कर लेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, वो हमने फुल रिंग का बताया था, और ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है और इस रिंग का रेडियस आर है, और ये सेमी सर्कुलर रिंग जो है इसका रेडियस आर है और इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है, क्यू कूलम चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये रिंग का सेंटर है ओ। कह रहा है इस पॉइंट ओ पे फील्ड क्या होगा, इसी पॉइंट ओ पे फील्ड कैलकुलेट करना है। आप लोग पहले इसको ट्राई कर ले, अपने से ट्राई कर लिए आप लोग, कर लिए सब कोई, तो हम करते हैं फिर से, आप लोग भी कर लिए हैं हम भी बना के देखते हैं मिलाएंगे। ठीक, हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताए थे अगर इस तरह का कोई भी बॉडी है तो यहाँ पे एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लिया और इस पे चार्ज डी क्यू है, इसको ऐसे मिला दिया यहाँ से, इसको भी मिला दिया यहाँ से, ये एंगल डी थीटा है और ये रेडियस क्या है इसका आर है, ये एंगल थीटा है। जब ये एंगल डी थीटा है तो जो आर्क होगा मेरा आर्क हो जाएगा आर डी थीटा, और यहाँ पे चार्ज डी क्यू है, ये पॉइंट चार्ज भी जैसा बिहेव कर रहा है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो यहाँ पे कितना चार्ज होता है प्लस वन कूलम, और ये डी क्यू चार्ज इस प्लस वन कूलम चार्ज को रिपेल करेगा कितना से डीई से, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा, तो इस डी का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा और इस एक्सिस पे कंपोनेंट होगा डीई कॉस थीटा, मीन्स टू डायमेंशन में है। डीई कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो डीई एक्स निकल जाएगा और डीई साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे मीन्स डीई एक्स का वैल्यू कितना है मेरा डीई कॉस थीटा, डीई वाई का वैल्यू कितना है डीई साइन थीटा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लेंगे रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम देखते हैं ई एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और ई वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो मेरा डी क्यू चार्ज है, आप पहले ये डी क्यू समझ लो, डी क्यू कितना होगा, डी क्यू इक्वल टू क्यू बाई इसका लेंथ हो जाएगा पाई आर और इस आर का लेंथ कितना है आर डी थीटा, तो डी क्यू कितना हो जाएगा क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा, ये मेरा निकल गया डी क्यू का वैल्यू। अब हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस पे फील्ड कितना है डी एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू डी वन बाय फोर पाई एफ सेवन नॉट क्यू के बदले में डी क्यू, कितना डिस्टेंस पे है ये आर डिस्टेंस पे है, आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा,
और डी क्यू का वैल्यू कितना कैलकुलेट किए हैं, क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे रूट कर देते हैं डी क्यू का वैल्यू, डी एक्स इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू के बदले लिखेंगे क्यू बाय पाई, नीचे में आर स्क्वायर है, कॉस थीटा डी थीटा होगा, ये डी एक्स का वैल्यू हुआ। तो ये मेरा सिर्फ इतना दूर का फील्ड निकला है एक्स एक्सिस में, हमको ये पूरे रॉड का निकालना है जो सेमी सर्कुलर आर्क है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन लगा देते हैं, डी एक्स इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, लोअर लिमिट क्या होगा पता करना होगा। जब हम यहां से कट करना शुरू करेंगे तो एंगल यहाँ पे जीरो डिग्री होगा, कट करते 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 यहाँ पर पहुंचेंगे तो 90 डिग्री होगा, फिर कट करते 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 कट 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 यहाँ तक आएंगे तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। मीन जीरो से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करेंगे 180 डिग्री, और 180 डिग्री को पाई रेडियन देखते हैं। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई एक्स ये जगह वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, जीरो से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे पाई तक। तो ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय पाई आर स्क्वायर साइन पाई माइनस साइन जीरो डिग्री। साइन पाई का मतलब साइन कितना डिग्री है, 180 डिग्री। साइन 180 का वैल्यू क्या होता है जीरो, साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है जीरो, तो जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा जीरो। सो नेट फील्ड एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा जीरो। अब ई एक्स का वैल्यू कैलकुलेट हो गया हम लोग का, कितना आया ई एक्स का वैल्यू जीरो आया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे क्या होगा जीरो होगा। देखिए ना एकदम तो आसान था, आप यहाँ पे एक एलिमेंट्री सेक्शन कट कर लेते, फिर यहां से इसको मिलाते, इसको भी मिलाते, ये एंगल मेरा डी थीटा होता, इसका इंटेंसिटी एक्सिस पे डी एक्स होता, और ये एंगल थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा कंपोनेंट डी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। आप देख रहे हो डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा इक्वल है ओपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे जीरो आ रहा है। हम बिना मैथमेटिकल सॉल्व किए हुए भी बता सकते थे कि ये डी कॉस थीटा इस पी पॉइंट पे इक्वल एंड ओपोजिट होगा एवरी पॉइंट पे, इससे इधर वाला निकालेंगे तो डी कॉस थीटा का वैल्यू इधर आएगा, और इस पॉइंट से इस साइड वाला कैलकुलेट करते हैं तो डी कॉस थीटा का वैल्यू उसके जस्ट लेफ्ट साइड होता है, इसीलिए एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी क्या हो गया जीरो हो गया। मीन सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर पे एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी क्या है जीरो है। अब हम देखते हैं अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे देखते हैं निकाल करके अलोंग वाई एक्सिस, मीन्स वाई एक्सिस पे डी वाई का वैल्यू मेरा क्या है डी साइन थीटा, डी वाई इक्वल टू डी वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। डी क्यू का वैल्यू फिर पुट कर देते हैं कितना है क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा, तो डी वाई इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। फिर अगेन इंटीग्रेट कर दिया हमने जीरो से लेके पाई तक, तो डी वाई इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय पाई आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, जीरो से पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे, ई वाई इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस पाई
माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस 180 डिग्री और माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, 180 का वैल्यू क्या होता है माइनस 1, ये हो जाता माइनस माइनस 1 प्लस 1, सो नेट फील्ड इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा दोनों जोड़ करके, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 1 2 2 q/πr² ये मेरा वाई एक्सिस का इंटेंसिटी हुआ। देखते हैं इसी मारे वाई एक्सिस का इंटेंसिटी कितना आ गया है मेरा, उसको तोड़ करके लिखते हैं EY = 1/4 πε₀ 2 q / r πr, मीन्स पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आर इंटू पाई आर, इस टू से इस टू को काट देते हैं। अब एक चीज देखिए लेमडा इक्वल टू हम पढ़े हैं क्यू बाई एल, तो क्यू बाई एल इसका लेंथ कितना है यहां से यहां तक पाई आर, तो क्यू बाई पाई आर को क्या लिख सकते हैं लेमडा, मीन्स ये वैल्यू जो है क्यू बाय पाई आर इसका वैल्यू कितना आएगा लेमडा आएगा, लेमडा जहां लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सो ई वाई इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा बाय आर, ये टोटल हो गया मेरा ई वाई इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब नेट फील्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, नेट फील्ड का फॉर्मूला क्या है EX² + EY² का अंडर रूट, तो EX का वैल्यू कितना आया था 0, EY² का अंडर रूट, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा EY आ जाएगा, EY कितना निकाले हैं लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, समझ रहे हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सिस पे आर लिया, इसका ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, समझ गए। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगला वीडियो फिर लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, इस सब को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आएगा।